हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 12, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और सारे ही पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली इन अगस्त लॉन्च बाय द प्लैनेट लैब पीबीसी इनटू ऑर्बिट थ्रू द राइट शेयर मिशन ट्रांसपोर्टर 11 ऑफ स्पेसएक्स। तो इनमें से कौन सी सैटेलाइट है जिसे रिसेंटली लॉन्च किया था प्लैनेट लैब पीबीसी ने? ठीक है, इट वॉज द टेनेजर 1। क्या नाम है इसका? टेनेजर 1। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और जो ये टेनेजर 1 है, इसे डेवलप किया गया था बाय द कार्बन मैपर कोलिजन। किसने डेवलप किया था? कार्बन मैपर कोलिजन। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन ऑपरेशनल अंटिल 2029। कब तक ऑपरेशनल रहेगा? 2029 तक। और इस सेटेलाइट का मेन एम क्या है? कि ये डिटेक्ट करे और ट्रैक करे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को एट अ लेवल ऑफ अ ग्रैनुलैरिटी नीडेड टू सपोर्ट डिटेक्ट मिटिगेशन एक्शन। ठीक है, प्लैनेट लैब पीबीसी की बात करें तो इसके करंट सीईओ हैं विल मार्शल। हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, और 2010 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट इज, इन अगस्त 2024 द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। द स्कीम विल कम इनटू इफेक्ट ऑन डैश। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ अगस्त यूनियन कैबिनेट ने, हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको पेंशन लग जाएगी। ठीक है, अब ये इफेक्ट में कब से आएगा? ये इफेक्ट में आएगा 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, जो ये आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसके थ्रू ऐसे पर्सन, ऐसे एम्प्लॉयज जो रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं अंडर द एनपीएस टिल 31 मार्च 2025, इनको भी यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा इसका। ठीक है, नाउ अब की पॉइंट्स देख लेते हैं यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। पहला पॉइंट है कि ये आपका कॉम्बिनेशन है, ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का। नेशनल पेंशन स्कीम आपकी कब लाई गई थी? 2004 में लाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, जिसने रिप्लेस किया था ओपीएस को, ओल्ड पेंशन स्कीम को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर हम यहाँ पे कंडीशंस की बात करें तो जो एम्प्लॉयज है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनको एटलीस्ट 25 ईयर अपनी सर्विस की देनी पड़ेगी। इसके बाद ही इन्हें जो पेंशन लगेगी, वो भी कितनी पेंशन होगी? 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे। एवरेज बेसिक पे का 50% इनको एज अ पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर जो आपका एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसकी स्पाउस होगी उसको फैमिली पेंशन यहाँ पे दी जाएगी, जो आपका 60% होगा जो एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही होगी। ठीक है, जो एम्प्लॉय को पेंशन दी गई है उसका 60% दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और कंडीशन रखी गई है, अगर जो पर्सन है उसने 10 ईयर की सर्विस दी है अपनी, इन दैट केस उसको जो है मिनिमम पेंशन 10,000 की लग जाएगी पर मंथ की। ठीक है, आफ्टर द रिटायरमेंट। फाइन, इसी के साथ आपको नोट करना है यहाँ पे पेंशन के लिए, आपको पता है कि जो एम्प्लॉय है उसका कुछ परसेंट उसका सैलरी का जाता है और उसमें गवर्नमेंट भी कुछ ऐड ऑन करती है, तो इस जो यूपीएस स्कीम है इसके थ्रू 10% जो है एम्प्लॉय अपना सैलरी का देगा, वेरस 18.5% इसमें गवर्नमेंट ऐड करेगी। तो ये आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। अब जो एनपीएस स्कीम थी इसमें 14% गवर्नमेंट यहाँ पे ऐड ऑन करती थी, बट यूपीएस में 18.5% ये प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो यूपीएस है ये कौन सी कमेटी ने जो है रिकमेंडेशन दी थी? तो बेसिकली जो एक कमेटी थी, इसके हेड आपके थे टीवी सोमनाथन, इन्होंने अप्रैल 2023 में इसकी यूपीएस की रिकमेंडेशन प्रोवाइड की थी। ठीक है, रिकमेंडेशन दी थी। ओके, नेक्स्ट इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ अ 3 अम्ब्रेला स्कीम मर्ज इनटू अ यूनिफाइड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका नाम आपका पूछा गया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है विज्ञान धारा। क्या नाम है इसका? विज्ञान धारा, ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद एन एम टू स्ट्रेंथन इंडियाज साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। तो इस स्कीम का नाम क्या था आपका? विज्ञान धारा, और ये सपोर्ट करती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो 5-ईयर प्लान है उसे, एंड कॉन्ट्रीब्यूट करेगी ये टू द विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, जो हमारा टारगेट है उसमें ये कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब स्कीम के लिए कितना यहाँ पे जो है एलोकेशन दिया गया है, बजट एलोकेशन, इट इज 10,579.84 करोड़ का फ्रॉम योर फाइनेंशियल ईयर 2022 टिल फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है,
इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स नोट करने हैं। विज्ञान धारा जो है इसमें आपके तीन कंपोनेंट हैं। पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, जो बेसिकली आपका फोकस करेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए एंड डेवलप करने के लिए स्किल्ड पर्सनल्स फॉर दी साइंटिफिक प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नाम से पता चल रहा है जो ये कंपोनेंट है ये सपोर्ट करेगा इनोवेशन एंड डिस्कवरी को थ्रू दी वेल फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। एंड द लास्ट इज इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ये जो आपका थर्ड कंपोनेंट है ये इसका मेन एम जो है क्या है कि एडवांस करना है न्यू टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, टू एडवांस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एनहांस करना इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज को। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव द प्रपोजल बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज बायो E3 पॉलिसी को जो है अप्रूवल दिया गया है। जो बेसिकली प्रपोजल किसका था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि बायो E3 पॉलिसी जो है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो बायो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी परफॉर्मेंस या उसका जो प्रोडक्शन है वो हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज टू फॉस्टर दी हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है, अब इसके कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। जैसे पहला आपका पॉइंट है जो बायो E3 पॉलिसी है इसे मैनेज कौन करेगा, इट विल बी मैनेज बाय योर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका एम है कि हम बहुत सारे बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको जो है बनाए मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, फ्रॉम मेडिसिन टू मटेरियल। इसके अलावा जो फूड एंड फार्मिंग से रिलेटेड आपके चैलेंजेस हैं उनको सॉर्ट करने के लिए हम एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज करें। ठीक है, इस नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, ये अनकरेज करेगा इनोवेशन बाय सपोर्टिंग रिसर्च डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड इन इस बायो E3 पॉलिसी का प्लान क्या है कि हम जो है स्टैब्लिश करें बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो AI हब्स एंड बायो फाउंड्रीज, किस चीज के लिए, टू फास्टर द टेक डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन। ठीक है, एंड ये जो हमारा बायो E3 पॉलिसी है ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल ग्रोथ को थ्रू द रीजनरेटिव बायो इकोनॉमिक मॉडल एंड साथ में ही ये जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज रिलीज्ड द इनॉग्रल एडिशन ऑफ ई मैगजीन विच इज सपनों की उड़ान ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पेस डे जो 23 अगस्त को मनाया गया था। ठीक है, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने इस ई मैगजीन को आपका रिलीज किया था, लॉन्च किया था। ठीक है, अब जो ये मैगजीन है इनिशियली ये जो है क्वार्टरली बेसिस पे आ रही है, बट बाद में ये आपका मंथली बेसिस पे भी आने लगेगी, ऐसा मेंशन किया गया था यहाँ पे। ठीक है, अब जो मैगजीन है इसे डेवलप किसने किया है, इट इज डेवलप्ड बाय द NCERT अलोंग विद डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब जो ये बुक है इस बुक के अंदर आपको पोएट्रीज मिलेंगी, एसेज मिलेंगे, स्टोरीज मिलेंगी एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट इज द RBI रिसेंटली इन ऑगस्ट अनाउंस द लॉन्च ऑफ ULI टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू मेक इट ईजियर एंड फास्टर फॉर पीपल टू गेट लोन्स। वॉट डज ULI स्टैंड फॉर, तो रिसेंटली RBI ने अनाउंस किया है कि ये आने वाले टाइम में ULI को लाने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। अब ULI क्या है, जैसे UPI है, UPI क्या है आपका, इट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, UPI है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये क्या काम करता है, ये पेमेंट को इजी बनाता है। ऐसे ही लोन्स को इजी बनाने के लिए ULI लॉन्च किया जाएगा विच इज यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। ठीक है, क्या नाम है इसका, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। क्लियर है, ULI का मेन एम है कि जो हमारा लोन प्रोसेस है उसको कम से कम टाइम में जो है आपका पास कर दिया जाए। ठीक है, अब ये कैसे होगा, बेसिकली जो मेन टाइम आपका लगता है किसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, डॉक्यूमेंट आप जब सबमिट करोगे उनको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद जाके आपका लोन पास होएगा। क्लियर है, तो यही चीज़ अब ऐप के थ्रू हो जाएगी। ठीक है, जिसमें जो लेंडर्स हैं उनको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, और जितना जल्दी डेटा यहाँ पे प्रोवाइड होगा क्योंकि ऐप के थ्रू काम होगा, डिजिटली काम होगा, तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो शेयर किए जाएंगे आपके लेंडर के साथ, ठीक है। अब लेंडर के पास जब डेटा आ जाएगा तो लोन भी जल्दी ही वेरीफाई आपका हो जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लोन आपका जल्दी ही पास हो जाएगा, ठीक है। फाइन, जैसे ऐप से अब पेमेंट हो जाती है यूपीआई के थ्रू, ऐसे ही आपका ऐप से लोन भी अब पास किया जाएगा, ठीक है। इवन डिजिटल चीज़ें होंगी तो लेस पेपर वर्क होगा यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, यूएलआई के आने से यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी एडवांसमेंट हमें मिलेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बात की गई थी जैम की, जैम आपका क्या है, जनधन आधार मोबाइल। तो इनिशियली एम था कि सबके अकाउंट खुले प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, ठीक है। फिर अकाउंट के साथ आधार को लिंक किया गया, फिर आधार के बाद मोबाइल बैंकिंग की बारी आई, वो भी यहाँ पे हो गया है, ठीक है। लोग मोबाइल बैंकिंग पे अपना काम करने लगे सारे ही उसके बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। उसके बाद यूपीआई को लाया गया ताकि पेमेंट इजी हो जाए। अब यहाँ पे बात हो रही है यूएलआई की कि आपके थ्रू ही आपका लोन जो है फटाफट से पास हो जाएगा, ठीक है। अब यूएलआई लाने की बात कर रहे हैं, पर इससे पहले इसका जो है पायलट प्रोजेक्ट आपका लाया गया था, कब लाया गया था, 2023 में ये लाया गया था, ठीक है। अब इसका नाम क्या था, इट इज PTPFC। अब ये क्या है, पब्लिक, इट इज योर पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शन लेस क्रेडिट, ठीक है। पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शन लेस क्रेडिट, ये इसका नाम था। इस नाम से ये पायलट प्रोजेक्ट आपका लाया गया था 2023 में, ठीक है, जो सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद बात हो रही है यूएलआई को लाने की, ठीक है। काम वही रहेगा, नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका पीटीपीएफसी जो है, इसे बनाया किसने था, डेवलप किसने किया था, आरबीआई का जो इनोवेशन हब है, ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने इसको डेवलप किया था, जो पायलट प्रोजेक्ट था आपका, ठीक है, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट को, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब यूएलआई है, ऐसा हो सकता है कि आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है वो ही इसको डेवलप करे, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन ऑगस्ट साइन एन एमओयू विद द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी टू फंड अप टू 45,000 करोड़ फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एमओयू साइन किया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के साथ, ठीक है। कितने अमाउंट का है ये आपका, 45,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ये आपका एमओयू साइन किया गया है, एंड इट इज डन बाय दी आरईसी लिमिटेड। किसने किया है, आरईसी लिमिटेड द्वारा ये एमओयू साइन किया गया है विद दी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। अब आरईसी लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट सीएमडी है विवेक कुमार देवंगन, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली दिल्ली में, और इसे 1969 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द आईएसबीआई इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट जिसका नाम है एकोरैप, इसने इंडिया की जो जीडीपी है वो प्रोजेक्ट की है कि ये एक्सपेक्टेड है कि ये ग्रो करेगी डैश परसेंट इन क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। तो कितना परसेंट प्रिडिक्शन यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो कितना परसेंट आपका ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर वन में। तो आंसर आपका है, इट इज 7% से 7.1%, इतना ये ग्रो किया है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ इन्होंने मेंशन किया है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये आपका किस रेंज के बीच में है, 6.7 से 6.8% के रेंज में इन्होंने मेंशन किया है, प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। नाउ एसबीआई की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो इसके करंट चेयरमैन आपके हैं सीएस शेट्टी, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड टैगलाइन क्या है, द बैंकर टू एवरी इंडियन एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1955, ओके। नेक्स्ट इज, विच इंडियन कंपनी रिसेंटली इन ऑगस्ट साइन एन एमओयू विद अ पेट्रॉन साइंस टेक जो यूएसए की कंपनी है फॉर सेटिंग अप 500 किलोटन्स पर एनम बायो इथाइल प्लांट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने एमओयू साइन किया है किसके साथ, यूएसए की पेट्रॉन साइंस टेक के साथ, सेटअप करने के लिए 500 किलोटन पर एनम का बायो इथाइलीन प्लांट। कहाँ पे सेटअप होगा, इंडिया में सेटअप होगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है गेल इंडिया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, गेल इंडिया, जिसने पेट्रोन साइंस टेक के साथ एमओयू साइन किया है, ठीक है। अब जो सिग्नेटरीज यहाँ पे आपके हैं जिन्होंने इस अग्रीमेंट को साइन किया है, इट इज सुमित
किशोर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गेल के, एंड योगी सरीन जो सीईओ हैं आपके पीएसआई के। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 24th हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो 24th जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड था इसके रिगार्डिंग आपको नोट करना है ये जो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, टोटल 123 अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे जो अवार्ड दिए गए थे ये 2019-20 और 2020-21 के थे, जिसमें से 62 विनर 2019-20 में थे और 61 विनर्स आपके 2020-21 में थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अजय गुप्ता की जो सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट लिमिटेड है इसने टॉप ऑल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड जीता है फॉर 2019-20 एंड 2020-21। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मुजाफिर हुसैन जो वेटरन एक्सपोर्टर हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोथ ए एंड बी और लास्ट ऑप्शन है ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपके सारे ही ऑप्शन करेक्ट है ए बी सी, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब जो सेरेमनी है ये ऑर्गेनाइज किसने की थी, जो अवार्ड सेरेमनी थी इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट दैट इज ई पी सी एच द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब जो अवार्ड्स है इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी एंड ये टॉप एक्सपोर्ट अवार्ड, प्लैटिनम परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट ग्रुप वाइज अवार्ड, विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड एंड रीजनल अवार्ड कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हु हैज बीन रिसेंटली इन ऑगस्ट अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज विद इमीडिएट इफेक्ट सक्सीडिंग राजेश नाम्बियर। ठीक है, तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है, पर्सनालिटी है जिन्हें जो है चेयरपर्सन बनाया गया है नेस्कॉम का, इनका नाम आपका है सिंधु गंगाधरन। क्या नाम है इनका, सिंधु गंगाधरन। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो नेस्कॉम के करंट प्रेसिडेंट आपके हैं देव जानी घोष, प्रेसिडेंट डेजिग्नेट है राजेश नाम्बियर, हेडक्वार्टर लोकेटेड है नोएडा उत्तर प्रदेश में एंड इट एस्टैब्लिश इन द ईयर 1988। ओके, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं सिंधु गंगाधरन की। नेक्स्ट इज नेम द फॉर्मर लेबनीज प्राइम मिनिस्टर हु रिसेंटली इन ऑगस्ट पास्ड अवे। इनमें से कौन से आपके पर्सन है जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी एंड ही वॉज अ फॉर्मर लेबनीज प्राइम मिनिस्टर। इनका नाम है सलीम अल हस। क्या नाम है, सलीम अल हस। और करंट अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इनका नाम है नजीब निकाती, कैपिटल आपकी लेबनन की है बेरूत, करेंसी इट इज पाउंड। ठीक है, लेबनीज पाउंड। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं सलीम अल हस की, जिनका टेन्योर आपका 1998 से 2000 के बीच में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रीओन फिल्म प्रोड्यूसर हु रिसेंटली पास्ड अवे इन ऑगस्ट 2024। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है एंड ही वॉज अ फिल्म प्रोड्यूसर। ठीक है, इनका नाम है नारी हीरा। क्या नाम है, नारी हीरा। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं, ही वॉज अ ऑनर ऑफ अ मुंबई बेस्ड मांगना पब्लिशिंग कंपनी एंड इन्हें जो है किंग ऑफ इंडियन मैगजीन्स के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था फ्रॉम द इंडियन मैगजीन कांग्रेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर कल्पना शंकर ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन वॉज लॉन्च ऑन कैथेड्रल रोड, हु लॉन्च दिस बुक। तो इस बुक को लॉन्च किसने किया था, इट वॉज लॉन्च बाय द फॉर्मर WHO चीफ साइंटिस्ट जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। क्या नाम है इनका, सौम्या स्वामीनाथन द्वारा इस बुक को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इस बुक की फर्स्ट कॉपी किसे दी गई थी, जो स्वर्डी मार्टिन लेक है जो CEO है यस्वरा ब्रांड की इन साउथ अफ्रीका। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं। फाइन, अब जो बुक है ये इसमें बेसिकली मेंशन किया गया है डॉक्टर कल्पना शंकर जी जो है जो ये पर्सन है इनकी आपकी जर्नी मेंशन की गई है न्यूक्लियर साइंटिस्ट से एज अ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कैसे ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट से एंटरप्रेन्योर बनी है उसकी जर्नी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है एंड जो बुक है इसे पब्लिश किया गया है रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू विडोज, डेस्टिट्यूटेड वुमेन, डिवोर्स्ड वुमेन एंड डिसेबल पेरेंट्स टू सपोर्ट द एजुकेशन एंड वेलबींग ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो नाम से पता चल रहा है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मतलब ये रिलेटेड है एजुकेशन से। ठीक है, अब ये लॉन्च किसने की है, ये आपकी हिमाचल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जिसके लिए फाइनेंशियल ईयर
2025 का एलोकेशन जो दिया गया है, जो फंड एलोकेशन है, ये दिया गया है 53.21 करोड़ का। ठीक है, इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जिन विमेन फैमिलीज की एनुअल इनकम जो है 1 लाख या उससे कम होगी, वो इस स्कीम के जो है पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, वो एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए। एंड इस स्कीम के थ्रू जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं, ठीक है, अच्छा 18 साल से नीचे की एज के हैं, इन बच्चों के लिए यहाँ पे मंथली स्टाइफन दिया जाएगा, मंथली ग्रांट दिया जाएगा 1000 रुपीज का। ठीक है, विमेन्स को एंड डिसेबल पेरेंट्स जो हैं उनको ये ग्रांट दिया जाएगा बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपेंसेस के लिए। इसके अलावा जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या डिप्लोमा होल्डर हैं, या डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों को यहाँ पे ट्यूशन फीस और हॉस्टल कॉस्ट जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ICC एमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स जो आपके न्यू दिल्ली में हुए थे। ठीक है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो आपका सेकेंड इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव अवार्ड है, इसके बारे में डिटेल दी गई है। पहला आपका ऑप्शन बोल रहा है कि जो अवार्ड सेरेमनी है, इसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसका थीम था लीडिंग इन अ डिजिटल पैराडिग्म। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है आपका, इसे 4 अवार्ड दिए गए हैं, बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑन प्रॉफिटेबिलिटी रनर अप, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन एसेट क्वालिटी एंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, ये 4 अवार्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है कि जो आपका J&K बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, इस बैंक ने बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये अवार्ड अचीव किया है इन अ प्राइवेट सेक्टर मिड साइज कैटेगरी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, इस अवार्ड सेरेमनी में इंडिया के अलावा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका के बैंक्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO कौन है, अजय कनवाल, हेडक्वार्टर इसका बैंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात की जाए तो इसके MD एंड CEO हैं बलदेव प्रकाश, हेडक्वार्टर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है एंड इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 1938। ओके, नाउ यहाँ पे आप कैटेगरीज देख सकते हैं, किन कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं, द बेस्ट बैंक, द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन असेट क्वालिटी, देन बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन ग्रोथ, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, बेस्ट बैंक इन डिजिटल बैंकिंग, बेस्ट बैंक फॉर ESG एंड बेस्ट फिनटेक इन बैंकिंग, ये आपकी 8 कैटेगरीज हैं इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडिया क्वार्टर 2 ऑफ 2024 पब्लिश्ड बाय नाइट रैंक, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन दिस इंडेक्स। तो रिसेंटली नाइट रैंक ने प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स रिलीज किया है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली ट्रैक करता है परफॉर्मेंस लग्जरी रेजिडेंशियल प्राइसेस की। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे, एंड क्वार्टर 2 का भी जो है रिलीज किया गया है इंडेक्स। इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक कौन सी सिटी ने हासिल की है, तो इट इज मनीला, फिलीपींस की आपकी सिटी है मनीला। ठीक है, एंड यहाँ पे आप जो है टॉप 10 सिटीज जो हैं जो इस इंडेक्स में शामिल हैं उनकी लिस्ट देख सकते हो। पहले नंबर पे मनीला है, ठीक है, दूसरे पे मुंबई, तीसरे पे दिल्ली, चौथे पे आपके हैं लॉस एंजलस US की, एंड मियामी अगेन ऑफ अ US। ठीक है, तो ये टॉप 5 आपकी कंट्रीज सिटीज हैं जो आपके टॉप 5 नंबर पे रही हैं, टॉप 5 रैंक में रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे की पॉइंट्स की, PGCI जो है, PGCI इंडेक्स जो आपका है, जैसे कि मैंने बताया ये आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक करता है लग्जरी रेजिडेंशियल प्राइसेस पे, एंड 44 ग्लोबल सिटीज में ये इंडेक्स जो है आपका बेसिकली 44 सिटीज की जो आपकी परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे ट्रैक की गई है, क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक की जाती है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपका क्वार्टर 2 था 2024 का, इसमें इंडिया की 3 सिटी जो है वो मेंशन की गई है, जैसे सेकेंड नंबर पे आपकी मुंबई है और थर्ड नंबर पे न्यू दिल्ली है, एंड बेंगलुरु भी इस लिस्ट में शामिल की गई है। ठीक है, अब मुंबई की बात करें, मुंबई जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल सिटी है, इसमें 13% का हमें राइज देखने को मिला है। ठीक है, इन अ प्राइम रेजिडेंट, एंड इस बार जो है ये सेकेंड नंबर पे थी, वेरस अगर हम 2023 की बात करें, क्वार्टर 2 ऑफ 2023, तो मुंबई आपकी 6th पोजिशन पे थी इस इंडेक्स में। ठीक है, ऐसे ही न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली थर्ड नंबर पे है अभी,
एंड इसकी जो ग्रोथ है आपकी ये 10.6% की मेंशन की गई है। इसके अलावा बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु का ईयर ऑन ईयर प्राइस ग्रोथ जो है ये आपका 3.7% का है और इस बार इसको 15th स्पॉट पे जगह मिली है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसेंटली इन ऑगस्ट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। तो लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो है अनाउंसमेंट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे नए और इससे पहले ऑलरेडी 2 डिस्ट्रिक्ट थे यहाँ पे, तो टोटल आपके लद्दाख में जो है 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। अब नए कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, नए कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट हैं और पुराने वाले जो हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये भी देख लेते हैं। तो नए डिस्ट्रिक्ट आपके हैं जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगता, वेरेस जो करेंटली आपके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो है ले और कारगिल। क्लियर है। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन ऑगस्ट यूएसए अप्रूव द सेल ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबर्स टू डैश कंट्री एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $52.8 million। तो यूएसए ने रिसेंटली जो है यहाँ पे अप्रूव किया है सेल ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयस। सोनोबॉयस क्या होता है, ऐसे डिवाइसेस, स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जो अंडरवाटर सबमरीन को डिटेक्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अप्रूव किया है सेल ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयस का इंडिया के साथ, ठीक है, जिसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाया जा रहा है $52.8 million का। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे इसके जो 3 टाइप है वो इंक्लूड किए गए हैं, जैसे ANSSQ 53G हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसे हम HAASW भी बोलते हैं। दूसरा टाइप है ANSSQ 62F HAASW एंड लास्ट इज ANSSQ 36 सोनोबॉयस। क्लियर है। नेक्स्ट इज इंडिया हैज रिसेंटली इन ऑगस्ट बिकेम द 18th सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट दैट इज SOSA पार्टनर ऑफ डैश कंट्री। तो इंडिया जो है ये 18वां SOSA पार्टनर बना है यूएसए का। अब SOSA पार्टनर क्या होता है, बेसिकली ऐसे पार्टनर जो इमरजेंसी में काम आए। ठीक है, तो यूएसए और इंडिया ने एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है जो आपका नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट है। ठीक है, इट इज अ नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट जिसमें मानना ना मानना आपकी मर्जी है। ठीक है, अब जो ये अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट कहता है अगर वॉर की सिचुएशन आ गई या कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, इन दैट केस इंडिया पे जैसे कोई इमरजेंसी आए, इंडिया जो है आर्म्स एंड एमिनेशन मांग सकता है यूएसए से। ठीक है, वो यूएसए की मर्जी है वो दे या ना दे एंड वाइस वर्सा। यूएसए पे अगर सेम सिचुएशन होगी तो इंडिया से वो अगर मांगता है आर्म्स एंड एमिनेशन तो इंडिया की मर्जी है वो दे या ना दे। तो इस टाइप का ये अग्रीमेंट साइन किया गया है, नॉन बाइंडिंग है, इस वजह से ये कंडीशन आपको यहाँ पे हो रही है कि दे या ना दे कोई वैसी बात नहीं है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे जो है इंडिया और यूएसए के बीच में एक और MOA साइन हुआ है विच इज किस चीज से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है डिप्लॉयमेंट ऑफ अ लाइसेंस ऑफिसर्स। और इंडिया पहली बार अपने लाइसेंस ऑफिसर जो है वो यूएस हेडक्वार्टर में भेजेगा, यूएस हेडक्वार्टर स्पेशल ऑपरेशंस कमांड में जो फ्लोरिडा यूएसए में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन ऑगस्ट 2024 पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड लखपति दीदी सम्मेलन विच वॉज हेल्ड इन डैश। तो आपका जो लखपति दीदी सम्मेलन था ये महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था जिसे पीएम मोदी द्वारा यहाँ पे एड्रेस किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका बन सकता है लखपति दीदी जो आपका स्कीम है उस पे, ठीक है, जिसे 2023 में लाया गया था, कब लॉन्च किया गया था, 2023 में, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो स्कीम है ये हेल्प करती है रूरल फीमेल्स को कि वो अपना माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप करें, ठीक है, अपने विलेज में, और लाख मतलब एनुअली जो है मिनिमम 1 लाख रुपीज जो है ये कमाएं। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे ये भी बताया गया था कि अभी तक 1 करोड़ वुमेन्स जो हैं उनको लखपति दीदीज बना दिया गया है और गवर्नमेंट का एम है आने वाले 3 सालों में 3 करोड़ लखपति दीदी हमें बनानी है, क्रिएट करनी है। क्लियर है। नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद अ न्यू टैप फाइनेंस NBFC टू प्रोवाइड पर्सनलाइज फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर क्रेडिट वर्थी इंडिविजुअल्स ऑन पेमेंट प्लेटफॉर्म क्रेड। तो यहाँ पे कौन सा आपका बैंक है, कौन सा बैंक है जिसने न्यू टैप फाइनेंस NBFC के साथ जो है पार्टनरशिप की है।
तो इट इज डन बाय द यस बैंक. कौन सा बैंक है? इट इज द यस बैंक. और यहाँ पे इस पार्टनरशिप के थ्रू जो ड्रीम प्लग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, ये एज अ लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर एक्ट करेगी फॉर यस बैंक एंड फॉर द न्यूटा फाइनेंस NBFC. ओके, नाउ यस बैंक की बात करेंगे. स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, इसके MD एंड CEO करेंटली है प्रशांत कुमार. हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है. इसकी टाइमलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज एंड इट इज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2004. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली इन ऑगस्ट अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद जीटा टू पावर इट्स क्रेडिट लाइन ऑन UPI ऑफरिंग. तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने अनाउंस किया है पार्टनरशिप अपने जीटा के साथ, ठीक है, किस चीज के लिए? टू पावर इट्स क्रेडिट लाइन ऑन UPI ऑफरिंग्स. तो इट इज डन बाय द HDFC बैंक. कौन सा बैंक है ये? HDFC बैंक है, जिसके करंट MD एंड CEO है शशिधर जगदीशन. हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में. स्टैब्लिश किया गया था 1994 में एंड इट्स टैगलाइन इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड. नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज रिसेंटली इन ऑगस्ट कैंसल्ड बाय RBI ड्यू टू दी हाई नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब हाई NPAs की वजह से, एंड रीपेमेंट डिफॉल्ट्स टू लेंडर्स, ठीक है. तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज दी लखनऊ बेस्ड मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया गया है. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑपरेट नहीं कर पाएगी एज अ NBFC, ठीक है, एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFI, ओके, अंडर दिस सेक्शन 45. ओके, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट गेटवे हैज पार्टनर्ड विद Amazon Pay Later to extend instant digital credit access to the Indian shoppers. तो इनमें से कौन सा पेमेंट गेटवे है जिसने पार्टनरशिप की है Amazon Pay Later के साथ, जो बेसिकली आपका बाय नाउ पे लेटर वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. तो ये साइन किया गया है PayU के द्वारा. ओके, किसके द्वारा साइन किया है? PayU के द्वारा ये साइन किया गया है विद द Amazon Pay Later, फाइन. इसी के साथ नोट करना है PayU जो है इसे पेमेंट एग्रीगेटर का अप्रूवल RBI से मिला था इन मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, ये ध्यान में रखना है. नेक्स्ट इज, एज पर RBI स्टडी, डैश स्टेट अट्रैक्टेड द हाईएस्ट बैंक फंड्स फॉर प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024. तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है बैंक फंड अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जो है अट्रैक्ट किए हैं, रिसीव किए हैं, ठीक है. इट इज योर गुजरात. कौन सा स्टेट है? गुजरात, फॉलोड बाय दी उत्तर प्रदेश. पहले उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे था, बट नाउ उत्तर प्रदेश को रिप्लेस कर दिया है गुजरात ने, ठीक है. गुजरात ने टोटल फंड्स एक्वायर किए हैं 154 प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें इनका मतलब परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये ग्रोथ आपकी है 14.7% की. प्रीवियस ईयर ये आपकी 14% की थी, ठीक है. देन गुजरात इज फॉलोड बाय दी उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में 69 प्रोजेक्ट्स में जो है फंडिंग इसने रिसीव की है, विच इज अकाउंटेड फॉर 7.6% एंड 2023 में ये परसेंटेज आपका 16.2% था, जो हाईएस्ट था, ठीक है. अदर स्टेट्स जो आपके टॉप 5 में आते हैं, इट इज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका. इसके अलावा आपको नोट करना है ओडिशा जो है जो 6 नंबर पे है फाइनेंशियल ईयर 2024 में. फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसकी जो रैंक थी वो थर्ड रैंक थी एंड इसने फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना परसेंट जो है एक्वायर किया है? इट इज 7.6% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट्स कॉस्ट. ओके, इसके अलावा नोट करना है अगर हम एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है फंड्स एक्वायर किए हैं, रिसीव किए हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है आपका, जिसमें भी लीड किया है रोड्स एंड ब्रिजेस ने एंड पावर सेक्टर्स ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 December 2024. तो इनमें से कौन से पर्सनालिटी हैं जिन्हें नया चेयरमैन आपका इलेक्ट किया गया है ICC के लिए, ठीक है. तो इट इज जय शाह. इनका क्या नाम है? जय शाह. और ये रिप्लेस करेंगे गर्ग बार्कले को जो न्यूजीलैंड के हैं आपके, ठीक है. अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, एक तो ये करेंटली सर्व कर रहे हैं सेक्रेटरी BCCI के, दूसरा कि ये यंगेस्ट आपके चेयरमैन बने हैं ICC के, एंड थर्ड इंडियन बने हैं जो ICC के चेयर बने हैं. इनसे पहले N श्रीनिवास एंड शशांक मनोहर जो है इस पोजीशन पे इंडियन पर्सन इस पोजीशन पे थे, ठीक है. अब इसके अलावा अगर ICC प्रेसिडेंट्स की बात करें, इंडियन जो रह चुके हैं, एक तो हैं लेट जगमोहन दालमिया जी,
1997 से 2000 के बीच में इनका टेन्योर था, देन शरद पवार फ्रॉम 2010 टू 20 फ्रॉम द 2012 टिल 2012 ओके। नाउ आईसीसी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपका दुबई में लोकेटेड है एंड इसके करंट सीईओ हैं जियोफ एलार्डस और इसका इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1909, इसकी शुरुआत 1909 में हुई थी ओके। नेक्स्ट इज हु हैज बीन रिसेंटली इन ऑगस्ट अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ अ रेलवे बोर्ड। तो अभी जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, इन्होंने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ जो है अपॉइंट किए हैं, जिनका नाम है सतीश कुमार। क्या नाम है इनका? सतीश कुमार। और ये रिप्लेस करेंगे जय वर्मा सिन्हा को। किसको रिप्लेस करेंगे? जय वर्मा सिन्हा को। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं सतीश कुमार जी की ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इसरो सेंटर रिसेंटली इन ऑगस्ट साइन एन एमओयू विद अल्फा मर्स लिमिटेड टू डेवलप एन एआई मॉडल टू डिटेक्ट एंड प्रोफाइल मरीन पॉल्यूशन इन इंडियाज कोस्टल वाटर। तो बेसिकली इसरो का जो सेंटर है, इसने टाइप किया है, इसने एमओयू साइन किया है अल्फा मर्स के साथ, ताकि ये डेवलप करें एक एआई मॉडल जिसकी हेल्प से जो मरीन पॉल्यूशन है उसको जो है कम किया जा सके ठीक है। अब ये कौन सा आपका सेंटर है इसरो का? इट इज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। कौन सा सेंटर है? इट इज द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और इस पार्टनरशिप के थ्रू इनका मेन एम क्या है कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये आइडेंटिफाई करें पॉल्यूटेंट्स को ठीक है, ये क्लियर है। नाउ इसके अलावा ये यहाँ पे मॉनिटर करेंगे और मैनेज कर पाएंगे मरीन एनवायरनमेंट को ओके। नाउ अल्फा मर्स की बात करें तो इसके फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं डी चंद्रशेखर, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में एंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2010 ठीक है, 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट इज विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद नोकिया टू इंटीग्रेट 4G LTE कनेक्टिविटी इनटू अ स्पेस सूट्स फॉर नासाज आर्टेमिस थर्ड लूनर मिशन। तो इनमें से कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पार्टनरशिप की है नोकिया के साथ, जो आपकी फिनलैंड की कंपनी है ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए 4G LTE कनेक्टिविटी इनके स्पेस सूट्स में फॉर नासास आर्टेमिस थर्ड लूनर मिशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सियोम स्पेस ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज द एक्सियोम स्पेस। और यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो नोकिया है इसका प्लान है टू बिल्ड द फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून एज अ पार्ट ऑफ द IM-2 मिशन इंटूटिव मशीन्स सेकेंड मिशन जो आपका अराइव हुआ था एट द लॉन्च साइट इन 2024 ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।